अयोध्या जनपद के सुल्तानपुर हाईवे पर ब्रह्म बाबा के समीप एक नए हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक उमेश चौधरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर हॉस्पिटल की तरफ से पूरे अगस्त माह में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर अशोक मौर्य ने बताया कि देश में इस माह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सब भाग लेते हुए हॉस्पिटल की तरफ से अगस्त माह में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। इसमें शिविर के पहले दिन करीब 200 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया, साथ ही 140 मरीजों ने निःशुल्क जांच, जिसमें शुगर, LST के FT आदि जांच कराई गई। चिकित्सक ने बताया कि हमारे अस्पतालों में जनता की सेवा हेतु 24 घंटे इमरजेंसी सेवा खुली है। वहीं वर्तमान में अस्पताल ने केवल 5 मरीजों को भर्ती करने की स्वका शुरू की है। फिलहाल अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं लेकर लेकिन 2-4 महीनों में गंभीर मरीजों का मेजर ऑपरेशन किया जाएगा। जी, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे? आप क्या सर, यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी। अभी हमारे पास केवल 2-3 ही तैयार हो पाए हैं और हम लोगों ने मिलकर 3-4 डॉक्टर मिलकर सिटी में हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाए हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि गरीब तबके जो मजलूम लोग हैं उनको हम सस्ते से सस्ता इलाज करेंगे। और सारी फैसिलिटी जैसे हमारे यहाँ लाइफ की फैसिलिटी है, IPD भी है, OPD भी है और कुछ प्राइवेट वार्ड भी हमने रखे हैं और OT का डिपार्टमेंट अभी तैयार नहीं है, आने वाले समय में 1-2 महीने में अभी तैयार है। क्या सुविधा है? कटार के प्रजापति जनरल हॉस्पिटल मेरे OPD आउट पेशेंट डोर की व्यवस्था कर रहे हैं और 5 बेड पर IPD इन पेशेंट डोर व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इंटेंसिव केयर या कोई ऑपरेशन ये सभी व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। अभी हर तरह के सांस के मरीज हुए, शुगर के मरीज हुए, थायराइड के मरीज हुए या जो नसों में दर्द होता है, इन सब के लिए हर स्पेशलिटी के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और इनका परामर्श दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने प्लान किया है आज कि पहला नहीं था OPD कैसे नहीं करना चाहिए यहाँ के लिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।